माइक्रो प्रोसेसर, देखो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल एंड क्लॉक ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी, एक्सेप्ट बाइनरी डाटा एज इनपुट, प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज ए आउटपुट। अब देखो इसको समझते हैं, ये क्या है, ए मल्टीपर्पज, इसका मतलब क्या है, ये बहुत मेन फंक्शन है। सपोज आप सोचो आपका जो ब्रेन है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ब्रेन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। सपोज आपका अगर ब्रेन डेड हो जाएगा तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे ना। सेम माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जो कंप्यूटर है उसका ब्रेन है, ये सब काम करता है, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ठीक है। और प्रोग्रामेबल, इसको हम क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। और क्लॉक ड्रिवन, क्लॉक ड्रिवन का मतलब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर 3 स्टेप पर काम करता है। पहले क्या है, नंबर 1 स्टेप पर क्या है, फेच, देन क्या है, डिकोड, देन क्या है, उसके बाद एग्जीक्यूट। देखो अगर आप कोई प्रोग्राम अगर लिखोगे, ठीक है, उसको क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, उसको लेगा, फिर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कंप्यूटर तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं ना, उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा बाइनरी लैंग्वेज पे, ओके, जीरोज एंड वन पे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये जो 3 स्टेप है, कौन सा स्टेप कब ऑन रहेगा और ऑफ रहेगा, वो क्या कंट्रोल करता है, वो क्लॉक कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्लॉक ड्रिवन। देन ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को क्या करता है, वो रीड इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, और कब किसके सर लेता है, मेमोरी पे सब स्टोर रहता है, मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन लेके उसको रीड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट के काम करता है। अगर हम इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या है, सपोज माउस है, ठीक है, वो इनपुट देते हैं मेमोरी पे, वो स्टोरेज रहता है मेमोरी से, वो माइक्रो प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शन को ले लेता है, फिर इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, किसके, हम जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे उसके साथ प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके बाद क्या है, हमारा आउटपुट देगा। और आउटपुट डिवाइस क्या है, हमारा जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है, उस वो है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट होगा। अब देखो सपोज एक क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, उसके अंदर क्या रहता है, CPU, ठीक है, और मदरबोर्ड, उसके बाद क्या, मदरबोर्ड के अंदर क्या है, चिप, एक सिंगल सा चिप है, यही चिप है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर, देन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर क्या रहता है, वो चिप, ये चिप है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इंस्ट्रोडक्शन देखो, पहला नंबर क्या है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ अ, इट इज अ ब्रेन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर, देखो ये ब्रेन है कंप्यूटर का, इसका मतलब ये सब काज, हमारा जैसे ब्रेन है, हम खाते हैं, स्मेल करता हो, सब ब्रेन के थ्रू, अगर ब्रेन डेड हो जाएगा तो हमारा बॉडी कुछ नहीं रहेगा, फिर यही है माइक्रो प्रोसेसर मेन ब्रेन है, ये सब काम करता है, अगर ये डेड रहेगा तो कंप्यूटर कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 क्या है, इट इज़ अ सिंगल चिप विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा, एक है एक सिंगल चिप है, ठीक है, इट इज़ अ सिंगल चिप, इट इज अ सिंगल चिप, ठीक है, इट इज़ अ सिंगल चिप विच प्रोसेस डाटा, क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, जो इनपुट देता हो उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है एग्जीक्यूट करके, ठीक है। नंबर 3 क्या है, इट इज़ एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, वो सीक्वेंस के थ्रू वो एग्जीक्यूट करता है। और नंबर 4 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, पहले तो ये बता दे है कि कैसे प्रोसेस करते हैं, पहले फेच, हमारा फेच का मतलब क्या है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को, उसको लेता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इट कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स, इट कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स, हमारा जैसे बॉडी, हमारा बॉडी ब्रेन क्या करते हैं, हमारा बॉडी का सब कंपोनेंट कंट्रोल करते हैं, सब हमारा हाथ पैर लेग सब कुछ, हाँ, हमारा स्मेल टेस्टिंग सब कुछ क्या करते हैं, ब्रेन कंट्रोल करते हैं, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का कंपोनेंट से उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसका कंपोनेंट क्या क्या है, देखो सपोज मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस,
और कई एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल डिवाइस उसके साथ अटैच रहता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हो गया। और क्या है इंटरनल, इसका जो इंटरनल माइक्रोप्रोसेसर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और इसको हम तो कहते हैं एक क्लॉक ड्रिवन है, इसका मतलब फ्लैश डिकोड और एग्जीक्यूटिव में काम करता है, ठीक है। यही है हमारा माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन। और एक बात है, देखो माइक्रोप्रोसेसर एज ए सीपीयू कैसे, ये क्या है सीपीयू, सपोज माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर एज अ सीपीयू, सीपीयू का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो हम इनपुट देता हूँ, इनपुट, ठीक है, इनपुट, देन उसको इनपुट क्या करता है, इन हमारा पहले इनकोडर डिकोडर पहले मैं हम पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उसको इनकोड करता है। इनकोडर के बाद प्रोसेस में जाता है, प्रोसेसर के बाद डिकोडर होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। और जो हम इनपुट देता है वो किसने, ये रहता है स्टोरेज, स्टोरेज तो रहेगा, इसका मतलब मेमोरी, मेमोरी पे स्टोर रहता है। मेमोरी क्या है, माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी भी जा सकता हूँ और मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर भी जा सकता हूँ, एक क्या है दोनों पॉसिबल है, ठीक है। बाइपोलर, इनपुट क्या है यूनिपोलर, आउटपुट क्या है यूनिपोलर, फिर क्या है वो आउटपुट देता है, ठीक है, आउटपुट। एक क्या है माइक्रोप्रोसेसर एज ए सीपीयू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में और भी डिटेल्स में बात करूँगा।